हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेल, मेरा नाम ज्योति है। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द। सो फ्रेंड्स, आप में से अधिकतर लोग टोमल ठकराल को जानते ही होंगे और उनकी कंट्रोवर्शियल लाइफ जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है उसके बारे में भी आप लोगों को अंदाजा होगा ही। और जो लोग नहीं जानते हैं, प्लीज मेरी पुरानी वीडियोज में जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको थोड़ी सी और डिटेल्स मिल जाएंगी और क्लियरिटी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आजकल टोमल ठकराल के बारे में लोगों के माइंड में बहुत ही मल्टीपल थॉट्स और मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं। उनमें से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन लोगों का पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है टोमल ठकराल की प्रेगनेंसी से रिलेटेड, क्योंकि कई बार उनकी रील्स में उनको बेबी मम के साथ कैच किया गया है और काफी सारी ऐसी पिक्चर्स है जिसमें देखने में साफ समझ में आ रहा है कि यस शी इज प्रेग्नेंट। लेकिन जब ऑडियंस ने उनसे ये सवाल पूछे, उनसे ये क्वेश्चन पूछा अबाउट हर प्रेगनेंसी, तो उन्होंने सामने से डिनाई किया। तो बहुत से लोगों की ये प्रेडिक्शन भी है कि हो सकता है कि 3 मंथ से पहले टोमल इस बारे में बात नहीं करना चाहती हो, जैसे स्नेहा ने किया था वैसे ही 3 मंथ तक ये भी इस चीज को सीक्रेट रखना चाहती हो और 3 मंथ के बाद ये ऑडियंस को आके इस बारे में बता देगी। वेल, जो भी हो, जैसा भी हो, सामने तो आ ही जाएगा प्रेगनेंसी जैसी चीज और जैसी न्यूज, कोई भी इन्फ्लुएंसर छुपा नहीं सकता है। तो वेट करते हैं हम भी कुछ और टाइम का। लेकिन जहां पे प्रेगनेंसी को लेके लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, वहीं पर टोमल ठकराल को बहुत सारे लोग ट्रॉल भी कर रहे हैं। ट्रॉल किया जा रहा है उनको उनकी प्रेगनेंसी को लेके ही, कि जैसे एक बेटी को तो छोड़ चुकी हो, अब दूसरी बेटी को भी तुम क्या छोड़ दोगी, बेटी पैदा होती है क्या इसलिए तुम बच्चों को छोड़ देती हो। मतलब बहुत सारे क्रिटिसाइज कमेंट्स टोमल ठकराल की रील्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें लोग अपना गुस्सा भी दिखा रहे हैं, कुछ लोग प्यार भी दिखा रहे हैं। तो इन सारी बातों का जवाब टोमल ठकराल ने अपने एक पोस्ट में दिया है, जहां पे उनको एक फॉलोवर ने बहुत ही क्रिटिसाइज करते हुए कमेंट किया था और उस कमेंट पे टोमल ठकराल ने जिस तरीके का रिप्लाई किया, एक लाइन में उसने अपनी सारी बातें बोल दी। वो कमेंट मैं यहाँ पे आप सबके लिए लगा दूंगी और मैं साथ में आपको बता भी देती हूँ कि उन्होंने उस कमेंट का क्या जवाब दिया था। तो टोमल ने उनको हाथ जोड़ते हुए बस यही बोला, ऐसे सभी लोगों को जो टोमल को ट्रॉल कर रहे हैं, टोमल के लिए कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक लेके आ रहे हैं या बार बार उनको किसी चीज के लिए ड्रैग किया जा रहा है, तो उन सबको टोमल ने हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करी कि मुझे जीने दो। तो टोमल ने तो एक लाइन में ये सब चीजें बोल दी, लेकिन ये दुनिया है और ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे जब तक लोगों को अपनी बातों का क्लियर अंदाज में जवाब नहीं मिलता, लोग आपसे सवाल करते जाएंगे और सवाल कड़वे भी हो सकते हैं, तीखे भी हो सकते हैं और सॉफ्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि अधिकतर चीजें तो टोमल ठकराल के देवर अपनी भाभी के बारे में उनकी तारीफों की पुल बांधते हुए नजर आ ही रहे हैं अपने ब्लॉग में। आए दिन वो अपनी भाभी से रिलेटेड किसी ना किसी सवाल का जवाब देते हुए नजर आते हैं, तो उससे ऑडियंस को काफी सारी हेल्प मिल चुकी है टोमल ठकराल के नेचर को जानने के लिए, उनकी असलियत को जानने के लिए। लेकिन क्योंकि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बोला है, तो हम दूसरा पहलू देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें कहानी की दूसरी साइड देखने को मिलेगी। वेल, अगर टोमल ठकराल वाकई में एक्सपेक्टेड हर गुड न्यूज देने वाली है, तो हम आने वाले बच्चे के लिए यही प्रेयर करेंगे कि वो इस दुनिया में अच्छे से आ जाए, और इस गुड न्यूज के लिए टोमल ठकराल एंड उसकी फैमिली को कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहेंगे। काफी लोगों का ये भी मानना है कि हो सकता है अपनी प्रेगनेंसी की वजह से ही टोमल अभी किसी को जवाब नहीं दे रही है और सिर्फ शांति ही पसंद कर रही है, किसी कॉन्ट्रोवर्सी का पार्ट नहीं बनना चाहती, इसीलिए जो उसके बारे में जो बोल रहा है वो अभी उन्हें बोलने दे रही है। इस टाइम पे वो लोगों के साथ ज्यादा बातचीत करके बातों को बढ़ाना नहीं चाहती। वेल, जो भी है, टोमल है तो बहुत ही स्मार्ट, क्योंकि हमेशा से उसने स्मार्ट डिसीजन लिए हैं और स्मार्ट तरीके से ही चीजों को बैलेंस किया है। तो देखते हैं उनकी स्मार्टनेस उनके लिए अच्छी साबित होती है, उनको और ट्रॉलिंग का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जितने ज्यादा दिन होते हैं या तो वो चीजें खत्म हो जाती हैं या वो चीजें अपने लेवल से ज्यादा बढ़ जाती हैं। सो टोमल के केस में देखते हैं कि ऑडियंस इन चीजों को धीरे धीरे भूल जाती है या टोमल के लिए लोगों के क्वेश्चंस और ज्यादा बढ़ते हैं। सो जो भी होगा, आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। यहीं पे आज का वीडियो एंड करते हैं। होप करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।